आपको पता ही है कि जैसे जैसे सत्ता बदलती है, जैसे जैसे सरकार में यानी कि देश के लिए नियम बनाने वाले व्यक्तियों की मानसिकता में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे कार्य करने की विधि और कार्य करने की नियमावली दोनों में परिवर्तन होता है। और उसी के उदाहरण हम 2014 से लगातार भारत के अंदर देख रहे हैं। अनुच्छेद 370 35 ए का समाप्त हो जाना, जम्मू कश्मीर का दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो जाना, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराए जाने की बात रही हो, या चाहे जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाए जाने की बात रही हो, चाहे वो राम मंदिर के निर्णय की बात रही हो, सारी चीजें सरकार के साथ व्यवस्था परिवर्तन हुई। और उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट की भी धारणा चेंज हुई। तो एक मामला कि जो मंदिर के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन है, उसकी जो संपत्ति है, उस पर किसका हक है, पुजारी का या उस देवता का जिसका वो मंदिर है। इसको देखने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए हम बात करते हैं कि वो जमीन किसकी होगी बिना विलंब किए, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो खींचना भी ठीक नहीं। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो भारतीय हिंदू धर्म शास्त्र हैं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं हमारे, इन पौराणिक ग्रंथों में ये मान्यता है कि जो मंदिर से संबंधित संपत्ति होती है, मंदिर के नाम पर कोई संपत्ति अगर रजिस्टर्ड है, समझिएगा बात, मंदिर के नाम पर अगर कोई संपत्ति रजिस्टर्ड है तो आप जानते हैं वो मंदिर ट्रस्ट के नाम से होती है। तो ट्रस्ट का देखभाल करने वाला कोई होता है तो वो एक अलग चीज हो गई। एकदम इंडिविजुअली अगर किसी मंदिर के नाम पर बिना ट्रस्ट बनाए किसी मंदिर के नाम पर कोई संपत्ति, कोई जमीन रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि मालिक उसका हकदार नहीं है, सॉरी, पुजारी उसका मालिक नहीं है। उसका असली मालिक, उसका असली स्वामी वो देवता है जिसकी उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है और जिसकी पूजा अर्चना के लिए लोगों ने या किसी व्यक्ति ने वो जमीन उनके नाम पर सौंपी है। तो किसी व्यक्ति के नाम पर वो जमीन का अंतरण कभी नहीं होगा, और कोई भी पुजारी किसी भी मंदिर की किसी भी संपत्ति का, किसी भी जमीन का कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता है, कभी उस पर कोई उसका अधिकार सिद्ध नहीं होता है। तो ये बात आप एकदम इज्जत समझ लीजिए कि अगर इस संबंधित कोई विवाद हो, आपके गांव में ऐसी कोई समस्या हो रही हो, कहीं पर जहां आप रहते हो वहां पर को लेकर के कोई ऐसी समस्या, तो आप वहां मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यह स्पष्ट किया है कि जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो मंदिर के स्वामी नहीं होते, वो उस मंदिर के स्वामी यानी कि वो जो देवता जिसकी प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में की गई है, उस देवता के सेवक होते हैं, और स्वामी की संपत्ति सेवक को नहीं जाती, जबकि स्वामी स्थिर है, स्वामी नाशवान नहीं है। स्वामी की जो संकल्पना है वो कहते हैं आदि से अंत तक है, ईश्वर सृष्टि का आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। तो जो कभी नाशवान नहीं है तो उसकी संपत्ति का अंतरण भी नहीं है, जिसका कोई अपना परिवार नहीं है तो वो किसी को ट्रांसफर भी नहीं होगी संपत्ति। तो और सेवक जब तक मालिक उसे किसी गिफ्ट द्वारा या किसी अन्य डीड के द्वारा कोई विल कर दे, कोई वसीयत कर दे, ऐसा कर दे तो अलग चीज है, लेकिन ये मालिक जो है वो ये भी नहीं कर सकता, यानी कि देवता ये भी नहीं कर सकते कि वो ऐसी संपत्ति को किसी पुजारी के नाम पर गिफ्ट कर दें या उसे वसीयत कर दें, संभव नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये सीधे सीधे मानना है कि कोई भी पुजारी जो कि मंदिर या उस देवता का सेवक होता है, उसमें मंदिर की कोई संपत्ति निहित नहीं होती है, मंदिर की सारी संपत्ति, सारी जमा पूंजी पूर्ण रूप से उसी देवता में निहित होती है जिस देवता को वो मंदिर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।